अस्सलामुअलैकुम। आज की अहम खबर के साथ मैं हूं आरिज इकबाल। अहम खबर से आपको आगाह करते चलें कि मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन करवाने के हवाले से केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी है, जहां तंदोतेज सवालात, दलाइल और बहस के बाद आज की समाअत मुकम्मल हो गई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने कहा कि मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अदालत 14 मई के फैसले को लेकर बैठी नहीं रहेगी। आइन के मुताबिक अपने फैसले पर अमल करवाने के लिए आइन इस्तेमाल कर सकते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात करवाने के केस की समाअत की, जिस दौरान रिमार्क्स में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हम भी कुछ कहना चाहते हैं, अदालत में भी मसला आईनी है, सियासी नहीं। अदालत सियासी मामला सियासी जमातों पर छोड़ती है। चीफ जस्टिस ने फारूक नाइक से पूछा कि ये बताएं कि IMF मुआहदा और ट्रेड पॉलिसी की मंजूरी क्यों जरूरी है। इस पर फारूक नाइक ने बताया कि बजट के लिए IMF का कर्ज मिलना जरूरी है, असेंबलियां ना हुई तो बजट मंजूर नहीं हो सकेगा। पंजाब और KP की असेंबलियां तोड़ी ना गई होती तो बहरान ना आता, बहरान की वजह से अदालत का वक्त भी जाया हो रहा है, असेंबलियां तोड़ने से अदालत पर बोझ भी पड़ रहा है। दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी ने अदालत में बयान दिया कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात से पीछे हट गई है। पाकिस्तान टुडे डिजिटल से फिलहाल इतना ही, खुदा हाफिज़।